करुणा निधि श्याम साधु जी महाराज। और मैंने ये भी कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जो शिव जी के बाद दूसरा व्यक्ति तीसरा नहीं है। कहते हैं कि शिव जी के ऊपर जितने खराब शब्द है ना दुनिया के, वो भी सुशोभित होते हैं। सारी जो खराब उपमाएं हैं शिव जी को दे दीजिए, वो भी सुशोभित हो जाती हैं। इसी प्रकार से श्याम साधु जी महाराज के ऊपर भी दुनिया की जितनी सारी उपमाएं हैं खराब उपमाएं हैं, बनचर बनराज जो बानरपति पशु सम्राट पशु हृदय जिनके आचार और विचार भी पशुवत हैं, ऐसे श्याम साधु जी महाराज हमारे बीच में हमारे जिले के गौरव हैं आप, और एक दिन पूरे विश्व के गौरव भी आप बनेंगे। वो इसलिए पशुवत आचार और विचार मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप पशुओं के जैसा जीवन करके देखते हैं, इसके जीवन में क्या कठिनाई है और उस कठिनाई से किस प्रकार से वो अपना जीवन जीता है, और पशुवत विचार यानी पशु इस समय क्या सोच रहा है, वो आगे क्या करने वाला है, उसके साथ क्या घटित होने वाला, ऐसे स्वयं उस प्रकार का जीवन जी करके उन पशुओं की सेवा करने वाले, इसीलिए पशु सेवी। और हमारे बीच में लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी हैं जो एक बहुत ही बड़े विद्वान और शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत उन्नति करने वाले, और हमारे जिले का आपके द्वारा भी बहुत अधिक नाम हुआ है, और आपने अभी अभी लगभग 70 वर्ष की आपकी आयु हो रही है, इस 70 वर्ष की आयु में आपने अपना सप्तम विवाह करके हमारे जिले को गौरवान्वित किया है, और सप्तम पत्नी जो आप लाए हैं वो अत्यंत ही दयामयी करुणामयी ममतामयी हैं, और उनकी एक 8 वर्षीय बेटी भी है, उस बेटी के भविष्य की सुंदर कामना हम सब लोग यहाँ पर करते हैं। और महाराज श्री से हम लोग अभी कुछ समय में चंद वचन भी हम लोग सुनना चाहेंगे, ताकि आप अपने मुखारविंदु से अपनी ओजस्वी तेजस्वी वाणी से हम सब लोगों के अंदर वही ऊर्जा भर दें, ताकि हम लोग 7 विवाह भी यदि ना करें, एक ही एक विवाह करें, तो अभी अपनी जो वो बची हुई संचित ऊर्जा है उसको लोक कल्याण के लिए हम सब लगा सकें, ऐसी हम आपसे कामना करेंगे कि वह अपनी ऊर्जा हम लोगों के अंदर भर दीजिए, ताकि हम लोग अपनी उस ऊर्जा से लोक और परलोक को अपना संवार सकें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको यहाँ पधारने के लिए, आपको कोटिस नमन कोटिस वंदन करता हूँ।